अगर मैं जॉब करता तो मैं बिल्कुल भी अपने खुद का घर नहीं ले पाता अपना दस लाख का सेटअप नहीं क्रिएट कर पाता ये सब चीजें मैं नहीं कर पाता एक जॉब के थ्रू फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट वे टू बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर एंड टू अर्न मोर सब मैं हूं निखिल और फाइनली फाइनली लेके आया हूं मैं क्यू एन ए वीडियो मैंने कई महीनों पहले एक पोस्ट डाला था कि भाई मैं क्यू एन ए वीडियो कर रहा हूं तो क्वेश्चन पूछो आपको जो भी क्वेश्चन है उस उस पोस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे तो उनमें से मैंने पंद्रह क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एक वाइडर ऑडियंस को आंसर करेंगे वो पंद्रह क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं और होपफुली इस क्वेश्चन क्यू एन ए के थ्रू आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव या सीखने मिल जाएगा या कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगी या तो यार टाइम पास तो हो ही जाएगा तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्यू एन ए वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है हितेश मुंड दादा ने ये पूछ रहा है कि सर क्या कैनवा के वजह से ग्राफिक डिज़ाइन का मार्केट खराब हो रहा है अब लोग पोस्ट डिज़ाइन करके करने के लिए कैनवा यूज करते हैं और डिजाइनर्स के पास कम आते हैं तो सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की वजह से डिज़ाइन का मार्केट ख़राब हो रहा है सिवा एक के कि लोग कम चार्ज करते हैं यू नो लोग सौ सौ रुपये में दो सौ दो सौ रुपये में डिज़ाइंस करके लोगों को दे रहे हैं बस यही एक चीज़ है जो डिज़ाइन की मार्केट जो मार्केट डिज़ाइन की मार्केट हाँ बराबर ही है यार गलत क्या है बराबर है जो मार्केट ख़राब कर रहा है और बात करूँ जो लोग कैनवा डिज़ाइन कैनवा में डिज़ाइन करते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए वो लोग आपके क्लाइंट है ही नहीं वो लोग को क्या है ना कि वो लोग को सिर्फ़ एक क्रिएटिव चाहिए कुछ आर्टवर्क बना के चाहिए हो सकता है कि उनके आ, मान लीजिए उनका एक शॉप है उस पर कोई सेल चल रही है तो उनको एक सिंपल सा एक आर्टवर्क बना के चाहिए तो उसके लिए वो कैनवा यूज़ करते हैं विच इज एब्सोल्युटली फाइन उन्हें उस डिज़ाइन के थ्रू अपने बिजनेस में कोई चेंज नहीं नाला है तो वो आपके आइडियल क्लाइंट है ही नहीं जो आपके आइडियल क्लाइंट है ना वो वो लोग हैं जो डिज़ाइन के थ्रू अपने बिजनेस में कोई चेंज लाना चाहता है हो सकता है वो ज़्यादा कस्टमर जनरेट करना चाहते हो हो सकता है वो अपनी पूरी डिज़ाइन की जो ब्रांडिंग है जो टारगेट ऑडियंस है वो चेंज करना चाहते हो ऐसे बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं और ये जो क्लाइंट है ना जो एक्चुअल में चेंज लाना चाहता है वो आपके राइट क्लाइंट्स है और उन्हें ही आपको टारगेट करना चाहिए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके पास कैनवा के क्लाइंट नहीं आ रहे क्लाइंट अपने हिसाब से कैनवा में डिज़ाइन बना रहे बना रहे तो बनाने दो यार वो मेरे क्लाइंट है ही नहीं ठीक है मुझे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे फोकस करना है राइट क्लाइंट के ऊपर और राइट क्लाइंट वही है जो डिज़ाइन के थ्रू अपने बिजनेस में चेंज लाना चाहता है और वो आपको पे भी काफ़ी अच्छा करेंगे जो ये सौ सौ दो सौ रुपये चार्ज करते हैं या देते हैं कोई भी डिज़ाइनर्स को उन्हें लगता है या सौ रुपये में डिज़ाइन बन के मिल जाएगा तो यार वो अपने क्लाइंट है ही नहीं उन, उन, उनको छोड़ दो उनके बारे में सोचो ही मत सिंपल एज दैट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है एल स्टूडियोज ने द क्वेश्चन इज वॉट आर ऑल योर अर्निंग सोर्सेज एंड बिजनेसिस मेक इन डेप्थ वीडियो ऑन यू आई यूएक्स एंड एक्सप्लेन दिस करियर तो पहले तो आपने दो क्वेश्चन पूछ लिया यार एक क्वेश्चन के अंदर स्मार्ट बॉय मेक इन डेप वीडियो ऑन यू आई यूएक्स यार अभी भी मैं यू आई यूएक्स सीख ही रहा हूँ तो मुझे भी एकदम हंड्रेड परसेंट नॉलेज नहीं है एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि यू आई यू एक्स डिज़ाइन में एक्चुअली आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए मैंने बस ट्यूटोरियल देख के स्टार्ट किया है जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन शुरू की थी वैसे ही मैंने UI यू एक्स डिज़ाइन भी शुरू की है मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर भी कि यू नो राइट पाथ क्या है तो दैट इज़ दैट और रही बात की सही करियर तो ये एक बहुत ही सही करियर ऑप्शन हो सकता है अभी के टाइम पे और ये बात मैंने पहले भी एक यू एन ए में की थी कि हर एक जैसे कि पेंडेमिक हुआ उसके बाद सबको पता चल गया कि यार हर एक चीज़ ऑनलाइन रहनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस को ऑनलाइन रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अभी क्या हो रहा है कि हर एक छोटा छोटा बिजनेस अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना रहा है अपना ऐप बना रहा है और उसे बनाने के लिए उन्हें यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है तो डिमांड बहुत है सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन स्पेशली अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर ऑलरेडी हो यू आई यूएक्स डिजाइन भी सीखो साइड बाई साइड तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और रही आपके पहले क्वेश्चन की वॉट दैट इज वॉट आर योर ऑल अर्निंग सोर्सेज तो देखो मैं बहुत ही ओपनली बताऊँ तो मेरे पाँच अर्निंग सोर्सेज है फर्स्ट इज यूट्यूब सेकेंड इज स्पॉन्सरशिप थर्ड इज़ अफिलिएट मार्केटिंग फोर्थ इज सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कि मैं टैमलेट्स और वो सब सेल करता हूँ एंड एलिमेंट्स पे और वीडियो हाइव पे बाय द वे मैंने इसकी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड फिफ्थ इज फ्रीलैंसिंग फ्री अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस अपना यूट्यूब पर रख रहा हूँ क्योंकि दो चैनल हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी फोकस कर रहा हूँ अभी के टाइम पे तो बाय द वे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करो अभी जाके ठीक है तो इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा हूँ बट ये मेरे पांच मेन इनकम सोर्सेज है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है मनीष पाठक ने इज़ गेटिंग ग्रेजुएटेड अन नेसेसिटी फॉर बेटर करियर इन डिज़ाइन एनिमेशन और जस्ट गेटिंग इन टू ऑनलाइन कोर्सेस आफ्टर ट्वेल्थ विल ड्यू अगर आपका प्लान है कि आपको डिज़ाइन एनिमेशन सीखने के बाद जॉब करना है अब्रॉड जाके यू नो कैनेडा यू एस साइड में जाके तो बहुत सारे क्या मैक्सिमम कंपनीज की रिक्वायरमेंट मिनिमम यह होगी कि आप एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो क्यों क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर कंपनीज जज करती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आपके बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स तो सही होंगे यू you नो know, हो सक हो सकता है कि आप बिना ग्रेजुएशन के भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो बट उनका एक वे होता है किसी भी चीज़ को जज करने का क्योंकि वो एक कंपनी है तो काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग कंसिडर करते हैं और उनके एक यू नो मैंडेटरी होता है कोई कोई चीज़ें तो इसीलिए ग्रेजुएट होना इज़ इंपॉर्टेंट आप साइड बाई साइड भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो साइड बाई साइड में एक छोटा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी मैंने लिया था मेरे लोकल एरिया में और मैं यूट्यूब से देख के भी सीख रहा था तो साइड बाई साइड में सीख भी रहा था और ग्रेजुएशन तो चल ही रहा था उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाई थी नहीं क्योंकि मैंने बी एम एस लिया था ट्वेल्थ की बात मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट कोर्स मत करो ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और साइड बाई साइड एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करो फिर जैसे ही आपका Uh, ये हो जाता है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है फिर आप एक फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्सेज लेके सीख सकते हो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे कोर्सेज में डिजाइन इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो अगर आप इंडिया में रहते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवी प्रसाद बिस्वल ने सर आप सिनेमा फोर और ब्लेंडर में से आपको कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा लगता है आप कब सिनेमा फोर के क्लासेज वीडियोज डालेंगे फॉर एप्सोलट बिगिनर्स टू मास्टरी लेवल तो देखो मैंने ब्लेंडर तो यूज़ नहीं किया है तो मुझे ब्लेंडर का आइडिया नहीं है हालांकि मैंने वीडियोस देखे ब्लेंडर के तो आउटपुट ब्लेंडर में बहुत अमेजिंग लोग लेके आते हैं बट उसका जो पूरा प्रोसेस है पूरा जो वर्क फ्लो है वो काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर फैक् सिनेमा फोर डी सिनेमा फोर डी मैंने यूज़ किया है और मुझे बेहद पसंद है ये सॉफ्टवेयर फॉर थ्री डी अभी तो मैं फिलहाल इतना यूज़ नहीं करता बट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो यूज़र इंटरफेस है ना जब आप उसे सीखने बैठोगे ना तो काफ़ी ईजिली आप सीख पाओगे काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू माया और थ्री डी एस मैक्स जो कि मैंने सीखे है वो थोड़े से ना इतना मज़ा नहीं आता यूज़ करने बट सिनेमा फोर जब आप बैठ के सीखते हो ना तो बहुत मज़ा आता है मन करता है कि यार कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करें कुछ कुछ चीज़ें क्रिएट करें अपने आप से और कंटेंट मतलब ट्यूटोरियल्स भी सिनेमा फोर के बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर तो इसलिए सिनेमा फोडी मैं प्रेफ़र करता हूँ और बात रही कि मैं कब सिनेमा फो डी शुरू करूँगा तो यार मैं शायद नहीं करूँगा कभी भी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कुछ यूनिक आइडियाज़ है जो मैं ला सकता हूँ कुछ यूनिक क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने में मज़ा आता है जिसमें मैं कुछ यूनिक टेक्निक लेके आऊँ अगर मैं वही चीज़ बताऊँ जो ऑलरेडी दस लोगों ने बता रखी है तो उसमें मज़ा नहीं है तो सिनेमा फोर क्योंकि मैं अभी यूज़ भी नहीं इतना कर रहा हूँ तो मैं सिनेमा फोर डी शायद नहीं लेके आऊँगा कोई भी वीडियो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है मुस्तफ़ा कामरान आई एम आई होप मैं आपका नाम प्रोनाउंस बराबर कर रहा हूँ हे निखिल एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर हंड्रेड के सब्स थैंक यू सो मच माई क्वेश्चन इज डू यू वॉच ड्रैगन बॉल जी तो यार नहीं मैं बहुत पहले देखा करता था जब मैं फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तब मैंने लास्ट देखा था मेरी वाइफ बहुत देखती थी ड्रैगन बॉल जी अभी तो फिलहाल नहीं देखती बट वो उसको काफी ज्यादा नॉलेज है उसको काफी ज्यादा पता है उसके बारे में डू यू हैव एनी प्लान फॉर मीटअप मैं कहा भाई मीटअप मैं कोई सेलिब, सेलिब्रिटी थोड़ी हो कि यार मीटअप करो लोग आएंगे मिलने और मेरे को ऐसा मतलब मैं थोड़ा सा ना मुझे अकेला अकेला थोड़ा रहना पसंद है मुझे ज़्यादा ऐसा लोगों के बीच में जाना इतना ज़्यादा जेनुअनली पसंद नहीं है तो मीटअप तो नहीं करेंगे हाँ हो सकता है कि हम लोग लाइव uh, करें यू नो फ्यूचर में और ज़्यादा लाइव सेशंस करें बट मीटअप का तो यार नहीं बिल्कुल भी नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विवेक शर्मा ने ये पूछ रहा है कि आपको एक नॉर्मल मोशन वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है लाइक इंट्रो एनिमेशन एक्सेट्रा तो जैसे कि मैंने कहा अभी तो मैंने फ्रीलैंसिंग काफ़ी हद तक कम कर दी है ऑलमोस्ट ना के बराबर कर रहा हूँ बट मैं यूजुअली इंट्रोज और यू नो छोटे छोटे एनिमेशन के प्रोजेक्ट नहीं लेता मैं कोई लंबा अगर प्रोजेक्ट रहा जैसे अगर एक्सप्लेनर वीडियोज़ चाहिए तीन चार बना के यू you नो know, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं, मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ जैसे कि अगर दो तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या उन्हें तीन चार वीडियोज चाहिए इन द स्पैन ऑफ सिक्स सेवन मंथ्स तो ऐसे मैं कॉन्ट्रैक्ट लेना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ तो ऐसे वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है यू नो इलस्ट्रेशन बनाओ उसके फिर जो स्टाइल स्केप्स होते हैं वो बनाओ उसकी स्क्रिप्ट बनाओ उसका पोस्ट प्रोडक्शन करो और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सप्लर वीडियोज़ बनाने के वक्त तो वो करना मुझे मज़ा भी आता है और टाइम भी काफ़ी लगता है तो ऐसा मैं कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं बता सकता कि यार इस वीडियो को इतना टाइम लगेगा बट एक रफ़ आइडिया दूँ तो एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाने में एक मिनट का मुझे लग जाता है अराउंड एक से एक से डेढ़ हफ्ता मतलब सेवन टू टेन डेज मुझे लग जाता है एक अच्छा एनिमेशन बनाने में बट अभी मैं फिलहाल एक्सप्लेनर और वीडियोज़ पर काम नहीं कर रहा हूँ अभी मेरा फोकस पूरा का पूरा यूट्यूब पर है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विराज मैं बार बार ऐसा ये क्या कर रहा हूँ विच स्ट्रीम डू यू चूज़ इन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ प्लीज़ रिप्लाई टू माई क्वेश्चन तो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में मैंने लिया था कॉमर्स क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा था मेरे लिए उतना मैं होशियार नहीं हूँ और आर्ट्स में मुझे तभी के टाइम पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था तो बचता है कॉमर्स तो मैंने कॉमर्स लिया जो कि सही था क्योंकि मैं तब बी बॉइंग भी करता था डांस प्रैक्टिस भी करता था मैं क्रू में था तो हम लोग ज़्यादातर शोज़ करते थे तो पढ़ाई पे मैं ज़्यादा उतना फोकस नहीं कर पाता था तो कॉमर्स तब मेरे लिए बहुत सही था क्योंकि बहुत ईजी भी होता है पास भी हो जाते हैं यार हर कोई पास हो जाता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है अक्ष ने आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीखी तो यार इसका जो एक पूरा पूरा जो एक बड़ा सा मैंने स्टोरी बता चुका वो बहुत बार मेरे अलग 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 क्यू एन ए वीडियोज़ में तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो बट कैसे सीखी तो भाई मैंने एक सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर दूँ तो मैंने यूट्यूब से सीखी यूट्यूब पर दुनिया भर का कॉन्टेंट है आप जाके सीख सकते हो अगर आपके पास पैसे है तो आप पेड ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हो जैसे मोशन डिज़ाइन स्कूल हो गए स्कूल ऑफ मोशन हो गए स्किल शेयर हो गए यहाँ पर जाकर आप कोर्सेज ले सकते हो मैंने खुद ने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं कोर्सेज लेके तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है ऑनलाइन मेंटर की तरफ से जो पूछता है हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिल्डिंग अ नेटवर्क एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है ना आपके पास अच्छे क्लाइंट आना शुरू हो जाता है तो नेटवर्क बढ़ाना बहुत सिंपल है आपको बस अपने जो फेलो डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करो कोई कुछ क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो उनसे डिस्कस करो यू नो एक फ्रेंडशिप एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करो अपने फेलो डिज़ाइनर्स के साथ मैंने ये सीखा कि नेटवर्क बनाने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है यू नो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया नई नई चीज़ें डिस्कवर करने में रिलेटेड टू डिज़ाइन या डिज़ाइन से कैसे पैसे कमाए जाते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत गाइड किया है तो नेटवर्क इज़ वन ऑफ दी नेटवर्क बनाना एज अ डिज़ाइनर इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिंपली आप डीएम करके मैसेजिंग करके आप स्टार्ट कर सकते हो कोई कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो यू नो इज सिंपल एज दैट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है करण गुप्ता से और ये पूछता है कि विच स्ट्रीम डिड यू चूज इन टेंथ

फिफ्टी टू या फिफ्टी वन परसेंट समथिंग क्योंकि मैं ट्वेल्थ में कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा था जैसे मैंने बताया मैं डांस कर रहा था बी बॉइंग कर रहा था तो मैं ज़्यादातर शोज में बिजी रहता था तो पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं था बट फिर भी फिफ्टी वन आगे बहुत बड़ी बात है और फन फैक्ट कि मुझे बीके मतलब अकाउंट्स uh, में एग्जैक्ट थर्टी फाइव आए थे ट्वेल्थ में मतलब एकदम मैं बोलता ना कांटे पर पास हुआ था ट्वेल्थ में लकीली नेक्स्ट जो पूछा है क्वेश्चन वो है अ सनी हाउ टू फाइंड आउट दैट डिज़ाइन वी क्रिएटेड ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन नॉट दुनिया में ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं है जो एकदम यूनिक हो क्या आपने कभी ऐसा चीज़ देखी है कि यार ये कलर मैंने पहले कभी नहीं देखा ये कलर मतलब कुछ नया है नहीं ना ये ये शेप मैंने पहले कभी देखा ही नहीं लाइफ में ऐसा तो नहीं हुआ है आपको क्या करना है कि आपको हर एक डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेनी है फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई डिज़ाइन का कलर अच्छा लगा तो आप कलर पैलेट ले लो कोई डिज़ाइन की कंपोजिशन अच्छी लगी तो कंपोजिशन ले लिया तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका डिज़ाइन कभी भी किसी भी डिज़ाइन के साथ मैच नहीं करेगा मतलब सिमिलर एकदम डिट्टो सेम टू सेम नहीं बनेगा आपको बस इंस्पिरेशन लेनी है आप अगर छापना चालू करोगे तो यार सेम बने गई बट ऐसा बहुत मुझे नहीं लगता ऐसा मेरे साथ कभी हुआ कि मैंने कोई डिज़ाइन बना लिया और फिर ऑनलाइन में सर्च कर रहा हो और एग्जैक्ट सेम टू सेम मुझे डिज़ाइन मिल जाए ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले कभी मतलब ऐसी कोई डिज़ाइनिंग में चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी मतलब हर एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपको बस सही चीज़ लेनी है और उसे अपने तरीके से यूज करना है डैट इट आई होप दैट मेक सेंस नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पूछा है वो है यूसुफ हुसैन ने ये पूछ रहा है कि हाउ टू गेट डिजाइन आइडियाज ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल है रिसर्च रिसर्च एंड रिसर्च आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे ना आपको उतने ही ज़्यादा आइडियाज आएंगे क्योंकि जब आप कुछ क्रिएटिव देखोगे तब आप क्रिएटिव सोच पाओगे सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनलाइन बैठ के दिन दिन भर रिसर्च करो देखो कि लोग कैसे टाइप के डिजाइन बना रहे हैं कि यू नो you know, अगर आप बिहानस ड्रिबल ये सब वेबसाइट पर जाओगे आपको दुनिया भर के अमेजिंग डिजाइनर्स मिलेंगे आप चीज़ें देख के एनालाइज करो ऑब्जर्व करो कि उन्होंने अगर ये कलर पैलेट लिया है तो क्यों लिया है उन्होंने ये स्पेसिफिक एलिमेंट बनाया है या लिया है तो क्यों लिया है तो वो समझने की कोशिश करो ये आपको कोई सिखा नहीं पाएगा ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होने से ही आप सीख पाओगे और जैसे जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होगी ना आपकी क्रिएटिविटी भी ग्रो होगी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है देव पिता से ये पूछता है कि रिकमेंड बुक्स फॉर डिज़ाइनर्स एडिटर्स फॉर फर्स्टली लर्निंग एंड इम्प्रूविंग एंड सेकेंडली टू फोकस डीपर ऑन वर्क तो बुक्स मैं बिल्कुल भी रीड नहीं करता मैं बुक्स की समरी सुनता हूँ तो वो एक चीज़ है बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो डिज़ाइनर्स के पॉडकास्ट होते हैं ना कि लोग इंटरव्यूज़ करते हैं बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को वो पॉडकास्ट सुनो ऐसे डिजाइनर्स के जब आप पॉडकास्ट सुनोगे ना काम करते वक्त आपको डी फोकस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और कभी कभार मैं लो फाई हिंदी और इंग्लिश म्यूजिक पुराने पुराने जो इंग्लिश म्यूजिक होते हैं ना वो सुनता हूँ लो फाई वाले तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प करता है डीप वर्क पर फोकस करने में बट मैं ज्यादातर पॉडकास्ट काफी ज्यादा सुनता हूँ मुझे पॉडकास्ट सुनना पसंद है so, बुक्स में इतना ज्यादा रीड नहीं करता ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है क्लास वॉर्प ने वर्प वर्प तो इन्होंने दो तीन क्वेश्चन पूछे सजेस्ट अ डिग्री फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग

पहली चीज़ आपका फोकस पैसे कमाने पर है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू तो भाई ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं तो आप स्टॉक मार्केट सीखो वो सब चीज़ें सीखो आपको अगर जेनुअनली इंटरेस्ट है कि आपको चीज़ें क्रिएट करने में मज़ा आता है आपको चीज़ें लोगों को सिखाने में मज़ा आता है कुछ क्रिएटिव बनाया तो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपका मन लगेगा और जैसे जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज अ यू नो इंटरेस्ट मतलब खुद को अगर जेनुनली पसंद है ऐसे टाइप ऐसी चीज़ लेके उसको सीखोगे ना तो आप ज़्यादा ग्रो करोगे और पैसे अपने आप आना शुरू हो जाएगा अगर आप पैसे पे फोकस करोगे ना ये सोचेगी यार वर्थ इट है कि नहीं मतलब डाउट करोगे तो यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है या तो फिर आपको नहीं लेनी चाहिए ये फील्ड एंड आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट टेरो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो है टेरू बाउ और इन्होंने पूछा है इज ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग जॉब इनफ टू हैंडल होल एक्सपेंसिस फॉर अ फैमिली वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक हैविंग जस्ट अ ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब इज इनफ फ्री लैंसिंग करो मेरी मानो तो मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ कि फ्री लैंसिंग ही करो क्योंकि जॉब में ना कैसा है आप एक एक लिमिट तक आके रुक जाओगे पचास हज़ार कमाओगे एक लाख कमाओगे दो लाख कमाओगे बट एक लेवल पर आपके रुक जाओगे ग्रोथ बहुत स्लो है जॉब में बट फ्री लैंसिंग में कोई लिमिट नहीं है आप जितना कमाना चाहो जितना अच्छा आपका अच्छा स्किल सेट आप उतना ज़्यादा कमा सकते हो और आराम से आपकी फैमिली का खर्चा निकाल सकते हो मैं सोलो मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ एक अकेला ही पर्सन हूँ मेरे घर में जो कमाता है फिर मेरी मॉम हो गई मेरी वाइफ मेरी बेटी मेरी बहन वो सब ऑब्वियसली नहीं कमाते वो सब घर पे रहते हैं मैं ही सिर्फ अकेला हूँ जो कमाता हूँ सो यस आई थिंक फ्री लैंसिंग इज द बेस्ट वे अगर मैं जॉब करता तो मैं बिल्कुल भी अपने खुद का घर नहीं ले पाता अपना दस लाख का सेटअप नहीं क्रिएट कर पाता तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाता एक जॉब के थ्रू फ्री इज द बेस्ट वे टू बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर एंड टू अर्न मोर पता नहीं मैं इसे कैसे बताऊँ बट सही शब्द मुझे नहीं मिल रहे बट आई होप कि मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे बस जॉब मत करो फ्रीलैंसिंग पर फोकस करो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो ना तो साइड बाई साइड फ्री शुरू करो फिर जैसे जैसे आपकी फ्री लैंसिंग ग्रो होती है आप अपने जॉब को छोड़ सकते हो सिंपल सो दैट इज़ अ रैप गाइस आई होप आप लोगों को इस क्यू एन ए के थ्रू कुछ, कुछ ना कुछ इनफॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा अगर नहीं मिला आपका टाइम वेस्ट हुआ तो आई एम वेरी सॉरी बट या दैट इज़ ऑल अगर आपको जेनली ये वीडियो अच्छा लगा क्योंकि मैंने बिना कोई फिल्टर मतलब जो भी मुझे लगता है सही है वो मैंने सीधा बात किया है कोई भी चीज़ ऐसे हाइड नहीं की है कोई छुपाई नहीं है जो है वो है फैक्ट के ऊपर बात की है अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लगी होगी तो आई एम वेरी वेरी सॉरी आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ले और आइकन पे प्रेस भी जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक क्लिक टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ स्टे क्रिएटिव पीस आउट।